स्वागत है आपका ये फैंटेसी में। आज अपन बात करेंगे मेलबर्न स्टार वुमेन वर्सेस ब्रिस्बेन हीट वुमेन के बीच होने वाले वुमेन बिग बैश लीग मैच के बारे में। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा ग्रैंडली के लिए टेम्पलेट से अपन लाखों रुपए विन कर सकते हैं। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और इस मैन्यू पे मैचों के बारे में जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। साथ में पेसर को विकेट मिलेंगे, स्पिनर को, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा ग्रैंडली के लिए बेहतरीन टेम्पलेट। लास्ट गेम जो हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर सिडनी सिक्सर का, उसमें मैंने आपको बताया था डी गिब्सन ए मोसांगा शानदार ट्रंप पिक रहे थे। हर मैच में मैं आपको लोअर सिलेक्शन परसेंटेज वो प्लेयर बताता हूँ जिनका कि बहुत ही अहम रोल रहने वाला है गेम में, ठीक है। हर मैच में मैंने आपको प्लेयर पिक करवाया, एक तरफा अपने सभी लीग्स में विन किया। इस मैच में बताऊंगा कौन से वो ट्रंप प्लेयर आपके लिए बनेंगे जिनका सिलेक्शन कम है, ठीक है। साथ में सीवीसी किसे रखना है, उन प्लेयर को आप किस प्लेयर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ। मैच खेला जाएगा जंक्शन ओवल मेलबर्न, ठीक है। काफी मैच यहाँ पे हो चुके हैं। लास्ट मैच हुआ था पर्थ स्कोचर वुमेन का और सिडनी थंडर का। पर्थ स्कोचर 159 बनाती है 4 विकेट के नुकसान पे, सिडनी थंडर की वुमेन 117 पे 8 विकेट, स्कोर चेंज नहीं होता है। 10 विकेट पेसर को मिलते हैं और 2 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। इससे पहले मेलबर्न रैंकिंग्स की टीम 140 पे 6 और मेलबर्न स्टार 144 पे 5, यानी स्कोर चेंज हो रहा है। 8 विकेट पेसर को मिलते हैं, 3 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। इससे पहले मेलबर्न रैंकिंग्स 133 पे 5 और पर्थ स्कोचर ने 10 विकेट से गेम जीता था, 1 विकेट गवाया नहीं था। 4 विकेट पेसर को मिले थे, 1 विकेट मिला था स्पिनर को। सिडनी थंडर 190 बनाती है 5 विकेट के नुकसान पे, मेलबर्न रैंकिंग्स 153 पे 7, 8 विकेट पेसर को, 3 विकेट मिलते हैं स्पिनर को। 154 बना, स्कोर चेंज नहीं हुआ। 6 विकेट पेसर को, 9 विकेट मिले थे स्पिनर को। सिडनी सिक्सर वुमेन 164 बना रही है, मेलबर्न रैंकिंग्स 158 पे 9, 5 विकेट पेसर को मिल रहे हैं, 9 विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को। तो शानदार ये वेन्यू बैटिंग के लिए, ठीक है। कई बार चेंज भी हो रहा है, कई बार चेंज भी नहीं, यानी कि न्यूट्रल वेन्यू है, कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं बैट फर्स्ट बैट सेकंड से, ठीक है। लेकिन विकेट कॉलम है वो पेसर की तरफ आपको ज्यादा दिखेगा। हालांकि एक आध मैच में स्पिनर्स का भी स्टार्टिंग में अच्छा रोल था, लेकिन पिछले कुछ मैचों से स्पिनर को कम विकेट मिले, पेसर को विकेट मिले ज्यादा मैच, ठीक है। यहां देखो आप, इन दोनों टीमों का मैच हुआ था 27 सितंबर 2023 को इसी लीग का। ब्रिस्बेन हीट वुमेन 150 बनाते हैं 6 विकेट के नुकसान पे, मेलबर्न स्टार स्कोर को चेंज नहीं कर पाती। अब करंट पोजीशन बताऊं तो नंबर 4th पे है ब्रिस्बेन हीट वुमेन, ठीक है। और ये लगभग 7वीं पोजीशन पे, इसका लगभग ये बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से, ठीक है। ये केवल 2 पॉइंट के लिए खेलेंगे, बाकी ब्रिस्बेन हीट वुमेन टॉप 4 में अपनी जगह को कायम रखने के लिए खेलेगी। तो ब्रिस्बेन हीट वुमेन की तरफ थोड़ा झुकाव रहेगा गेम का, ठीक है। यहां देखो आप, लास्ट गेम में आई थी बी हाथ विकेट कीपर वाले सेशन से, बैटिंग से ही जोनाथन, ठीक है। ऑलराउंडर से एलिसा कैप से कैप्टन आई थी, वो इस कैप्टन आई थी चार्ली कनॉट मेलबर्न स्टार की, ठीक है, सॉरी ईप। हाँ, यहां देखो आप, किम गार्थ, सतरलैंड, जी वॉल, जॉन सेना, ये सभी ऑलराउंडर से आए थे, यानी 6 प्लेयर आए थे ऑलराउंडर से। बॉलिंग से सारा ग्लेन, एन हैनकॉक और एम लिंगवर्थ आपको नजर आएगी। तो इसमें भी आपको तो काफी लोअर परसेंटेज वाले प्लेयर नजर आए थे उस गेम के अंदर, ठीक है। हर मैच में इन प्लेयर्स का काफी रोल रहता है, मैंने आपको बता चुका हूं। मैं केवल आपको 14 या 15 प्लेयर बताऊंगा, उनमें आप आसानी से 11 प्लेयर पिक कर सकते हैं। किस प्लेयर की जगह रिप्लेस करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहां देखो आप, मेलबर्न स्टार की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है, एम बाउचर के साथ ओपनिंग करेंगे लैरिंग, उसके बाद केपसी, सतरलैंड, सोफिया डंकली, सोफिया रेड, टी फिल्टॉप, किम गार्थ, सोफिया डे, एम इलिंगवर्थ, एस मोलानी। इनमें से आर मेकिना खेल सकते हैं, लेकिन टी फिल्टॉप को लास्ट गेम में मौका दिया गया था, काफी लंबे टाइम बाद खेल रहे, इंजर्ड थी पहले, ठीक है। इसके अलावा कोई चेंजेस होते हैं लाइनअप में तो मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर लो। वहां पे और भी मैं बहुत सी चीजें, यानी मेगा जीएल के बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके साथ वहां पे शेयर करने वाला हूं। यहां देखो आप, 48, 9, 0, 10, 0, 19, 23, 17, 23 स्टार्टिंग में अच्छी फॉर्म थी, ठीक है। लेकिन पहले लोअर द ऑर्डर खेलने आ रही थी, अब इसको ओपन करवाया गया है लास्ट 2 गेम से। लेकिन ये हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है दोस्तों, अगर चलेगी तो बड़ा भी चल सकती है, लेकिन कई बार छोटी पारी में भी आउट हो जाती है, ठीक है। मैक लेनिंग 51, 53 नॉट आउट 55, उसके बाद 1, 13, 5, 75 की अच्छी इनिंग है, 67 की 27 की, यानी बीच में काफी बार ये भी फ्लॉप जा रही है। सिलेक्शन इसका आपको हाई दिखेगा, लेकिन प्लेयर भी देखो शानदार है, अच्छा करना जानती है, लगभग मैचों में ठीक ठाक ही रन बना लेती है, तो अच्छी प्लेयर रहने वाली है। कैप्सी 52 रन 2 विकेट, 31 रन 2 विकेट, 3 रन +0, 17 +0, 21 रन 1 विकेट, 27 +0,
3+0 2+0, यानी लास्ट दो तीन गेम से विकेट इसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, बाकी बैटिंग मेरा नहीं है, बनाती है थोड़ी बहुत ही बनाओ, लेकिन बैटिंग भी अच्छी कर लेती है। लास्ट गेम में इनके अगेंस्ट एक कैप्टन आई थी, तो अच्छी पिक अपने लिए रहने वाली है। सदरलैंड को देखो आप, 6 रन 1 विकेट, 8 रन 2 विकेट निकाल रहे, 49 रन 2 विकेट, 12+2 विकेट, 42, 3 रन 1 विकेट, 3 रन 3 विकेट, 24 4 विकेट, 24+0। लास्ट गेम इसका विकेटलेस है, इसके अलावा सभी गेम्स में इसने अच्छे खासे विकेट छिटकाए हैं। देखो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है और पोजीशन भी बहुत ही अच्छी है, फुट डाउन पर बैटिंग सरफेस रहने वाला है, बॉलिंग भी अच्छी करती है, तो काफी इंपोर्टेंट अपने लिए बनेगी। सीबीसी की भी अच्छी पिक रहने वाली। सोफिया डंगली का भाई खराब सिस्टम है, 10-9 5+2 विकेट, इसके अलावा बॉलिंग टीम करवा नहीं रही है, एक बीच बीच में कभी कभार कराते हैं, 34+1 विकेट। इसके अलावा आप देखोगे तो काफी बार ये फ्लॉप जा रही है, 0-0-2-7, बैटिंग एकदम से खराब बैटिंग करी है। ऐसी बैटिंग मैंने आज तक किसी प्लेयर की नहीं देखी टूर्नामेंट में, इतना बुरी तरह से फ्लॉप और टीम वहां मौके दे रही है। ठीक है, बाकी ट्राई कर सकते हो जीएल में, मैं इसको लेकर नहीं जाऊंगा, ठीक है, ना जीएल में ना मिनी लीग में, क्योंकि एकदम से आउट ऑफ फॉर्म है, कभी कभार बॉलिंग मिलती है वो देखो सर्टेनिटी है नहीं, मिलेगी नहीं मिलेगी, इससे बढ़िया इस प्लेयर को अवॉइड करना है। ठीक है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, रन पहले बना रखे हैं इसने, काफी अच्छे रन भी बनाते हैं, विकेट भी निकालती है, प्लेयर अच्छी है लेकिन आउट ऑफ फॉर्म है। सोफिया रेड 73-48-0 32-25-6 17 25-0-1-2-10, इसका भी यही हाल है, लोअर द ऑर्डर बैटिंग कर रही है, पहले अप द ऑर्डर बैटिंग करती थी किसी अलग टूर्नामेंट के, ये रिकॉर्ड है, लेकिन विकेट कीपिंग भी यही करने वाली है। उस नजरिए से आप ट्राई कर सकते हो एक आध टीम में। टिम फिल्टॉप 55+1 विकेट, 27+1 विकेट, 0-0-0 चल रही थी। ठीक है, लास्ट गेम पहला ही गेम खेला था टूर्नामेंट का, 15 रन बनाए थे, विकेट इसको मिला नहीं था। ठीक है, ये सोफिया रेड से ऊपर बैटिंग करने आई थी, ठीक है, इस गेम लास्ट गेम में, ठीक है, इस गेम में शायद नीचे आए ऊपर ले, लेकिन बैटिंग के लिए भी इसको रखा जाता है, ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेती है और विकेट भी कभी कभार ही निकाल देती है, हालांकि लास्ट गेम में इसने बॉलिंग नहीं की थी, मैं बता दूं आपको। किम गार्थ 1 विकेट 45+1 विकेट, 2 नॉट आउट 1 विकेट, इसके बाद 0-0 चल रहा था इसका, लास्ट दो गेम से इसने फिर से विकेट लिए, कई बार विकेट ले जाते किफायती रहती है लेकिन सामने कई बार अच्छे बैटर रहते हैं तो विकेट इसको नहीं मिल पाता है। ठीक है, सोफिया डे 1 विकेट 3 विकेट 0-0, उसके बाद 4 विकेट 1 विकेट 0 5 विकेट 4 विकेट 1 विकेट, ये भाई तगड़ी गेंदबाज है, बीच बीच में विकेट बहुत ही अच्छे इसने इस टूर्नामेंट में निकाले, काफी अच्छा इसने विन करवाया। ठीक है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, लगभग इसको विकेट मिल ही रहे हैं, आप एक गेम छोड़ दो लास्ट 6-7 गेम में तो लगभग हर मैच में विकेट चटकाए हैं, काफी अच्छी बॉलर है। एम लिंगवर्थ 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, उसके बाद 0-0 1 विकेट, लास्ट 3 गेम से इसको 4 गेम से इसको विकेट नहीं मिला, उससे पहले 1 विकेट इनके अगेंस्ट निकाला था ब्रिस्बेन हेट वुमेन के अगेंस्ट, तो अच्छी प्लेयर है, ट्राई किया जा सकता है, राइट आर्म फास्ट बॉलर, नई प्लेयर है, हालांकि रिस्की रहेगी, बाकी एक आध टीम में आप ट्राई कर सकते हो। सोफिया मोलानी भाई कहानी खत्म है इसकी, तो 1 विकेट 1 विकेट, इसके बाद पूरा टूर्नामेंट टीम ने खिला दिया, भाई ऐसा कौन खिलाता है यार ऐसे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को, 1 विकेट निकाला पूरे टूर्नामेंट के अंदर, अब 11 मैच खेल के कोई 1 विकेट निकाले वो फिर भी प्लेइंग 11 में खेल रहा है तो क्या ही मानो आप। ठीक है, यहाँ देखो आप आर मैकेना को ट्राई कर सकते हैं, टीम 4 रन 1 विकेट 0, ये भी खेल रही थी पहले, कुछ खास बिल्कुल भी प्लेयर नहीं है, एक मैच में 3 विकेट मिल गए वो अचानक, कभी कभार किसी को भी मिल जाते हैं, बाकी वैसे परफॉर्मेंस नहीं है कि रेगुलर परफॉर्मेंस करने वाली प्लेयर है। अपन देख लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, जी रेड माइने के साथ ओपनिंग करेगी ग्रेस हैरिस, उसके बाद बी हाथ अमीला कैर एम डुप्री चार्ली क्नॉट जेस जोनसेना जीवॉल एल हैमिल्टन एन हैनकॉक सी सिप्पल आपको खेलती हुई नजर आएगी, इसके अलावा इनमें से शायद कोई चेंज नहीं होगा, सारा ग्लेन फिट होती है डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आएगी। ठीक है, यहाँ देखो आप जी रेड माइने को देखो 49-15-1-16-29-53-9-70-2, ये अच्छा प्लेयर अच्छी प्लेयर है, विकेट कीपिंग भी साथ में करती है तो इंपोर्टेंट बनेगी। ठीक है, ग्रेस हैरिस को देखो आप 49 रन 0 136 1 विकेट 39 0, इसके बाद एकदम से फ्लॉप थी लास्ट गेम में, फिर से अचानक चल गई, मैंने बोला था हिट एंड मिस टाइप की प्लेयर है। ठीक है, लेकिन कभी कभार अच्छा परफॉर्मेंस भी रेगुलरली दे जाती है, यहाँ रेगुलर चली थी उसके बाद बीच में डिप हो गई, तो यहाँ भी आपको लेकर रखना है, अच्छी प्लेयर है, देखो सिलेक्शन काफी हाई है, जब भी परफॉर्मेंस देती है तो बहुत हाई परफॉर्मेंस देती है, उस वजह से विनिंग्स जाने का खतरा काफी रहता है बाकी, लेकिन अब जब अपन इसको पे रिस्क भी लेते हैं तो काफी अपन ने विन किया है बीच के गेमों में। ठीक है, बी हाथ 21-27-19-16-2-2 बैटिंग नहीं आई, 9-8-51-13, इससे ओपनिंग करना स्टार्ट किया इसने, तब से अच्छे रन बनाए। ठीक है, ओपनिंग ने सॉरी वन डाउन, उससे पहले लोअर द ऑर्डर भेजा जा रहा था इसको, अच्छी प्लेयर है, हिट करके खेलती है, अच्छे बाउंड्री निकालती है, आते ही बड़े शॉट खेलती है, अच्छी प्लेयर है, ट्राई कर सकते हैं अपन जीएल में। अमीला कैर 70+0 61-1 विकेट 59 रन 2 विकेट 41+0 4 रन प्लस जीरो
यहाँ देखो आप 3 रन 2 विकेट, 11 रन 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, लगभग हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहता है, हालांकि बैटिंग से। इसके अलावा एम डू प्रिज को देखो आप, 36 नॉट आउट 0, 1 विकेट 39, 18, 8, 13, 61, 22, 60, 26, 13, प्लस 4 इनिंग से अच्छी दिख रही है, ठीक है, रन भी ठीक ठाक वेट से निकल रहे हैं, इंपोर्टेंट बन सकती है। 40 नॉट 6 प्लस 0, 31 रन 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट, 28 प्लस 0, 18 प्लस 0, 21 रन 2 विकेट, 1 विकेट, 11 प्लस 0, भाई हर मैच में परफॉर्मेंस दिया है, बैट या बॉल किसी ना किसी रूप में पॉइंट्स देती है, ठीक है, यहाँ भी विकेट निकाल रही है, यहाँ पे विकेट निकाल रही, बीच में जरूर विकेट लेस गए, लेकिन इनके अगेंस्ट लास्ट गेम में वीसी आई थी, अच्छी प्लेयर इंपोर्टेंट बनने वाली। जैस चौमसेना 1 रन 2 विकेट, 27 रन 2 विकेट, 4 रन 2 विकेट, 1 विकेट 15 प्लस 0, 0, 0, 9 रन 4 विकेट, 17 रन प्लस 0 विकेट, रन देखो हर बार ये नहीं बनाएगी इतने ज्यादा, लेकिन विकेट चटकाने में काफी माहिर प्लेयर है, ठीक है, लेकिन लास्ट 4 गेम में 5-6 गेम आप देखोगे तो कई बार विकेट लेस भी गई है, तो रिस्क भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन बैटिंग बॉलिंग दोनों का ऑप्शन है तो आप शायद सेफ जाओ, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। जनसेना 10 जी वॉल 10, 1 विकेट 39 प्लस 1 विकेट 48 प्लस 0, 7 प्लस 0, ये प्लेयर पहले टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलती थी, उसके बाद इसको लोअर द ऑर्डर कर दिया, उसके बाद परफॉर्मेंस सेक्शन से डिप है, 8 प्लस 0, 27 प्लस 0, 7 प्लस 0, 0 लास्ट गेम में, तो बॉलिंग भी नहीं करवाई थी, छोड़ सकते हो आसानी से। एल हैमिल्टन लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज, लास्ट 2 गेम से खिलाए, विकेट दोनों मैचों में नहीं मिला, 2-2 ओवर करवाए, दोनों में माइनस में गई है पॉइंट, ठीक है। एंड हैनकॉक 2 विकेट 2 विकेट 0, उसके बाद 2-0, 0, 2 विकेट 1 विकेट 0, 2 विकेट 1 विकेट 0, 1 विकेट, लास्ट गेम में 4 विकेट निकाले थे, शानदार प्लेयर, बीच में विकेट लेस भी जाती है लेकिन विकेट भी निकालती है। सी सिप्पल को देखो आप, 3 विकेट 4 विकेट 4 विकेट 0, 4 विकेट 2 विकेट 0, 2 विकेट 2 विकेट 0, 2 विकेट 0, भाई लास्ट 4 गेम में 3 बार विकेट लेस गई, लेकिन उससे पहले आप रिकॉर्ड देखो तो रिकॉर्ड इतने खराब नहीं है, ठीक है, विकेट मिलते हैं। मैंने लास्ट गेम में भी आपको बोला था एन हैनकॉक सी सिप्पल में से आप एक को ट्राई करना, एन हैनकॉक का सिलेक्शन डाउन था उस मैच में, मैंने बोला था इंपोर्टेंट रोल निभाएगी और 4 विकेट निकाले थे, एक तरफा विन करवाया था, ठीक है। सी सिप्पल भी अच्छी प्लेयर है, अब ड्रीम इलेवन में क्या होता है, एक मैच में एक प्लेयर चल गया तो उसका सिलेक्शन अप हो जाएगा, और ये जो 4-4 विकेट निकाले थे इसका वो डाउन है, लेकिन प्लेयर की कैपेसिटी है, देखो विकेट निकालते बीच में, हालांकि विकेट लेस भी जाती, लगभग दोनों बार मैंने जितना नोटिस किया लगभग ये विकेट लेते तब एक दूसरे विकेट लेस जाती, यानी इनमें से एक प्लेयर ज्यादा आने के चांस रहते हैं। सारा ग्लेन शायद अभी खेलेगी नहीं इस गेम में, अपन देख लेते हैं इस मैच के लिए जो ट्रंप पिक रहने वाले, हर मैच में मैंने आपको ट्रंप पिक बताया, हर मैच में वो पिक हुए, ठीक है, काफी सोच समझ के मैं ये आपको प्लेयर देता हूं और हर मैच में लगभग इनसे परफॉर्मेंस निकलता है। देखो 22 प्लेयर में से आपको वुमेन्स क्रिकेट में लगभग 9 या 10 प्लेयर ऐसे मिलेंगे जिनका सिलेक्शन एकदम से डिप रहेगा, ठीक है, और बाकी सब उन्हीं की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन आपको केवल 2 लोअर परसेंटेज प्लेयर आप उनमें ऐड कर दोगे ना, 9 प्लस 2 प्लेयर भी आपके सही जगह पिक हो गए तो आप काफी ज्यादा पैसा विन कर पाओगे, ठीक है। अगर आप मिनी लीग खेल रहे हो वहां आपके एक प्लेयर भी चलेगा, अगर आप बड़े वाले कॉन्टेक्स्ट में खेल रहे हो उस कंडीशन में जीएल को आपको 2 या 3 प्लेयर के साथ खेलनी पड़ती है। अब देखो एम बाउचर पहले लोअर द ऑर्डर खेल रही है, अब द ऑर्डर खेल रही है, अच्छी प्लेयर है, देखो हिट करके खेल सकती है, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो अच्छे पॉइंट दे सकती है। एम लिंगवर्थ को अपन ट्राई कर सकते हैं बॉलिंग वाले सेशन से, हालांकि लास्ट एक हेड टू हेड में इसको विकेट मिला हुआ है, लास्ट जो इनका मैच हुआ था इसी सीजन, ठीक है, इससे पहले भी एक आध बार इसको विकेट मिले, लेकिन विकेट लेस जाते बाकी बॉलिंग डालती है, इस मतलब जीएल के लिए अपन ट्राई कर सकते हैं। सी सिप्पल बी हाथ एम डू प्रिज, अब बी हाथ एम डू प्रिज में से आप एक प्लेयर को ट्राई करना, दोनों को शायद ये साथ नहीं आएंगे, वही आ भी सकते हैं लेकिन एक के चांस ज्यादा है, क्योंकि 1 डाउन पोजिशन उसके बाद एम डू प्रिज, ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट रहेगी। सी सिप्पल अच्छी बॉलर है, आपको पता है 4-4 विकेट के होल भी निकाल रखे इसने लगातार, है ना, तो अच्छी प्लेयर है, बीच में विकेट लेस भी जाती है लेकिन ट्राई करना बनता है, इनमें से आपको 2 या मैक्सिमम आप 3 प्लेयर ट्राई करना, मेरे ख्याल से 2 प्लेयर काफी होंगे, एनफ होंगे, ठीक है, अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो, ठीक है। वुमेन क्रिकेट में अगर एक प्लेयर आपका सीवीसी 10 प्लेयर सही है, एक प्लेयर ऐसे भी रह गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप काफी अच्छा पैसा विन कर सकते हो, ठीक है। अब प्लेयर को लेना किस प्रकार है, किस प्लेयर की जगह रोटेट करना है समझ लो, ठीक है, यहाँ लास्ट गेम में भी हाथ आई थी, ठीक है, ई जोनासन एलिसा कैप से कैप्टन आई थी, वोइस कैप्टन आई थी, 40 कनॉट, किम गार्थ, सतरलैंड, जी वॉल, जॉन सेना, ठीक है, सारा ग्लेन, एन हैनकॉक, एम लिंगवॉल, ठीक है। अब जी वॉल का ये है कि अब लोअर द ऑर्डर कर दिया, बॉलिंग टीम करवा नहीं रही, बाकी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब जब टीम बॉलिंग ही नहीं करवा रही तो प्लेयर निकल के कहां से आएगा, बैटिंग में भी 6-7 पे आ रही है, ठीक है। यहाँ देखो जी रेडमाइन है, विकेट कीपर से सबसे सेफ लग रही है, मेरे को सबसे अच्छा प्लेयर है, इसके अलावा बी हाथ को आपको ट्राई करना है, अच्छी प्लेयर है, ठीक है। एम लैनिंग जी हैरिस, एम बाउचर, एम लैनिंग जी हैरिस को लिया है, ठीक है, या मैंने एम बाउचर को नहीं लिया। जोन से ना मिला कैर, सतरलैंड, कैप्सिक, कनॉट,
जोन सेना, अमीला केर सतरलैंड, एलिसा कैप्सी, किम गार्थ और कनोट। यहाँ पर मैंने सभी ऑलराउंडर्स जो लास्ट गेम में आए थे वही ले लिए। अच्छे प्लेयर, देखो इनके हर मैच में परफॉर्मेंस निकलता है। सोफिया डेको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ मैंने लिया है सिसिप्लियो। ठीक है, लास्ट गेम में सारा ग्लेन आई थी जब सोफिया डे नहीं खेलती थी। ठीक है, यहाँ भी मैंने सोफिया डे को लिया, एन हैनकॉक को लिया। इस प्रकार से अलग अलग प्लेयर्स आपको ट्राई करना है। यहाँ मैंने दोनों टीमों में एक एक ट्रम्प प्लेयर यूज किया है, क्योंकि आप अगर मिनी जीएल खेलते हो उस कंडीशन में आप एक प्लेयर के साथ भी अच्छा विन कर सकते हो। अगर आप जीएल खेल रहे हो, बड़े वाले कॉन्टेक्स्ट में खेल रहे हो, उस कंडीशन में आप एक अलग प्लेयर जैसे किसी में आप किम गार्थ पे रिस्क ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एम लैनिंग और ग्रेस हैरिस में भी एक प्लेयर पे रिस्क ट्राई हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि सारे के सारे मैच में हर मैच में पॉइंट देके जा रहे हैं, कभी कभार ये फ्लॉप भी होते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेयर की जगह आप रिस्क ट्राई कर सकते हो, किसी बॉलर की जगह रिस्क ट्राई कर सकते हो। सीवीसी के लिए बताओ आपको, अमीला केर फिर से, हालांकि बैटिंग में रन नहीं बना रहे, निराश काफी किया है इसने। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छी पिक रहेगी। सतरलैंड अच्छा पिक रहने वाली है आपके लिए। ठीक है, जोन सेना, इन तीनों प्लेयर में से आप घुमाने की ज्यादा कोशिश करना। इसके अलावा कैप्सी को वीसी आप ट्राई कर सकते हो, कैप्सी कनॉट तो लास्ट गेम में भी इनके अगेंस्ट अच्छा खेली थी। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।